दुनिया कैसे बदलती है, किसी एक बड़ी चीज से या सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से। मेरी परवरिश एक छोटे गांव में हुई, तो जब मैं टाटा ऑटो कॉम्प में काम करने पुणे आई तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन बदलाव के बीज मेरी माँ ने बहुत पहले ही बो दिए थे। मेरी माँ ने एक असंभव सपना देखा था और उन्हीं के कारण मैं अपने गांव की पहली लड़की बनी जिसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पर मेरे मन में कई सवाल थे। क्या लड़कियों के लिए कोई नौकरियां हैं? क्या मैं अपने घर, अपने गांव से दूर सुरक्षित रहूंगी? तब मैंने टाटा के बारे में सुना। टाटा ऑटो कॉम्प अपनी फैक्ट्री के आसपास के गांव के होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप देती है ताकि वो स्कूल में रह पाए। उनमें से कुछ छात्र इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए, कुछ टाटा ऑटो कॉम्प के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैकेनिक बन गए। मैं मन्नू सिंह, श्रीमती मुकेश सिंह की बेटी, और मैं टाटा ऑटो कॉम्प की शॉप फ्लोर सुपरवाइजर हूँ। टाटा ने एक सस्टेनेबल फ्यूचर का सपना देखा। टाटा ऑटो कॉम्प को मालूम था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस मिशन में महत्वपूर्ण साबित होंगी और महिलाएं इसकी जरूरी पार्ट्स बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों में ही नहीं, पूरी कंपनी में महिलाओं को मौका और प्रोत्साहन दिया। ये बदलाव केवल शॉप फ्लोर पर ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी में हो रहा है, और मैं भी वही कर रही हूँ। रोज मैं जब काम पे जाती हूँ, मुझे इस बदलाव का हिस्सा होने में गर्व होता है। जब मैं अपने फैक्ट्री में चारों ओर देखती हूँ, मुझे सिर्फ योग्य और मेहनती महिलाएं नहीं दिखती, मुझे दिखती है विकास, परिवर्तन और आशा की कहानियां। दीपशिका जैसी, जो हजारों मील दूर टाटा ऑटो कॉम्प में काम करने आई और साथ ही बीटेक भी कर रही है। शुभांगी, जो बिना बेंच और बाथरूम के स्कूल में पढ़ी, लेकिन अब उसके गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसकी तरह बड़े कारखानों में काम की बात करती हैं। धनश्री की तरह, जो वाई गांव के अपने परिवार का नाम ऊंचा कर रही है। गांव आने पर बच्चे उसे घेर कर उससे उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके गांव के जितनी बड़ी फैक्ट्री के बारे में बताने को कहते हैं। जब हमारी कहानियां पूरे भारत में फैलेंगी तो भरोसेमंद और बदलाव वाली नई पीढ़ी को जन्म देंगी। जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया, वो टाटा ऑटो कॉम्प पूरे भारत की महिलाओं के लिए कर रहा है। उनके लिए लड़ना, उनमें विश्वास रखना और उनका पालन पोषण करना। अब हमारे पिता, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, गांव के बच्चों से कहते हैं कि खूब पढ़ो और अपना भाग्य लिखो। शायद ऐसे ही दुनिया बदलती है, उनसे जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उनसे जो अपनी बेटियों के साथ खड़े होते हैं, उन कंपनियों से जो महिलाओं को अवसर देने का मूल्य समझती हैं।